नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सौर्या इंस्टीट्यूट चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जो है हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्दों के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि UP-SSSC के PET परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द का यानी के लिए एक शब्द को हम पढ़ेंगे। तो जिनमें से दोस्तों हम 10 क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 20 अगस्त में हम लोगों का पेपर होने वाला है। 20 अगस्त में क्या पेपर होने वाला है, तो 20 अगस्त तक जो है हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी प्रैक्टिस सॉल्व जो है करेंगे, उससे हमको क्या होगा, अपने जो एक आंकड़ा पता चल जाएगी कितनी हमारी एक्यूरेसी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाकर आल पर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म नहीं है। तो शब्द युग्म नहीं है, उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जो सब जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, ये आपका सही है। अगला है हमारा, जिसकी गर्दन सुंदर हो तो सुग्रीव कहेंगे, ये भी आपका सही है। बिना घर का आने के अनिकेतन, ये भी आपका सही है। तो आपका रंग क्या है दोस्तों, ये आपका ये दूसरा वाला, यानी कि साहित्य को लिखने वाला कवि नहीं कहलाता दोस्तों, साहित्यकार कहलाता है। तो जैसा कि हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि साहित्य को लिखने वाला क्या कहलाता है, साहित्यकार कहलाता है। क्या कहलाता है, साहित्यकार, ठीक है। और कवि किसे कहते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो कवि कविता लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, कवि बोलते हैं, कवि बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिदिन होने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करिए, प्रतिदिन के लिए, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला है दोनों कहते हैं, ठीक, दोनों का आपका रॉन्ग सीधे सीधे। और यहाँ पे है दैनिक, दैनिक में देखिए आपका ये वर्तनी ही आपका गलत है, ये भी आपका गलत हो गया दूसरा। और चौथा आपका है दैनिक, तो ये आपका सीधे सीधे गलत ही, ये भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो आंसर आपका सही कौन हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। तो वर्तनी की दृष्टि से आपका दैनिक जो है सही हो, दैनिक का मतलब होता है रोज़, ठीक है, हर रोज़, ठीक है, रोजाना, ठीक है, इसका प्रतिदिन का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साथियों, इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम होता है। तो तीन नदियों का संगम रेखांकित तो वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा है, यानी कि तीन नदियों का संगम, यानी कि एक शब्द क्या कहलाएगा, यह द्रिगुड़ है, त्रिगुड़ है, त्रिवेदी है और त्रिवेणी है, यानी कि त्रिभुज है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिवेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिवेणी हो जाएगा, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं, ये त्रिगुड़ क्या होता है, तो त्रिगुड़ का मतलब होता है सत्व। क्या होता है, सत्व, ठीक है, होता है सत्व, रज और सत, रज और तमस, ये आपका होता है त्रिगुण का मतलब। और यह त्रिवेदी का मतलब क्या होता है, त्रिवेदी का मतलब होता है तीन वेदों के जानने वाला, तीनों वेदों को जानने वाला। क्या कहलाएगा, तीनों वेदों को जानने वाला, तीनों वेदों को जानने वाला क्या कहलाता है, त्रिवेदी कहलाता है। आप त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज क्या होता है, यानी कि तीन भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है, यानी कि तीन भुजाओं वाला, है ना, तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वालों को क्या कहेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है, तीन भुजाओं वालों को त्रिभुज बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उचित वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म है, ठीक है, एक शब्द युग्म है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जल में जन्म लेने वाला अलज, क्या अलज है, यानी कि आपका गलत है, अलज नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, जलज होता है। क्या होता है, जलज, ठीक है, जलज होता है, ठीक। जो जन्म से अंधा न हो, जन्माद कहते हैं, यानी कि जन्माद कहते हैं, यह भी सही है, ठीक है, यानी कि जन्माद कहेंगे, जन्माद, ठीक है। उसके बाद
छात्रों के सहने का स्थान क्या करता, रहने का यानी कि सहने का स्थान कह रहा था, यानी कि रहने का स्थान अगर कहता तो छात्रवास सही होता, यानी कि यहाँ पे ये रंग गलत है। जो यान जल में चलता हो क्या कहलाता है, जलयान कहलाता है, क्या कहलाता है, जलयान कहलाता है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल यानी कि जल में जन्म लेने वाला क्या होता है, जलज कहलाएगा। जो जन्म से अंधा ना हो उसका जन्माद कहेंगे, ठीक है, जन्माद कहेंगे। उसके बाद आपका है छात्रों के सहने का स्थान, यानी कि छात्रावास सहने का स्थान नहीं होता, रहने का स्थान होता है। ठीक है, इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प सही वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म नहीं है। यहाँ पे क्लियर करना है, नहीं है सर युग्म, शब्द युग्म नहीं है, इसको हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो शरीर का कोई भाग, ठीक है, शरीर का कोई भाग अवयव यानी क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा, ये आपका सही है। इसका जो आँखों के सामने ना हो उनके परोच कहेंगे, ये भी आपका सही है। जो ती यानी कि जो जीता ना जा सके अजय, ये भी कहलाएगा, अजय कहलाएगा। तो आपका नहीं है का मतलब जो कारण कि सदयुग में नहीं है, तो यानी कौन सा नहीं है, चौथा नहीं है। जो मृत्यु के समीप हो अमर कहलाएगा, यानी ये गलत है। जो मृत्यु को समर्प समय पर यानी कि जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे परणासन, यानी कि परासन कहेंगे, मरणासन, मरणासन कहेंगे, मरासन क्या कहेंगे, मरासन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन चयन करें। ठीक है, किसका, कौन से शब्द के लिए, अनगिनत। ठीक है, तो अनगिनत, अनगिनत देखिए, जो गिनो न जा से जाए, जो गिनो ना जा सके, देखिए यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से आपका रॉन्ग है। ठीक है, जो गिना ना जा सके, जो गिना ना जा सके, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। और जो गिना न जा सके, देखिए वर्तनी की दृष्टि से भी गलत है, जीने ये भी आपका गलत है, तो राइट क्या हो जाएगा, जो गिना ना जा सके, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाराजा ने ऐसे महल का निर्माण करवाया जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके, ठीक है, जिसकी कल्पना न की जा सके, ठीक है, जिसकी कल्पना न की जाए, क्या कहलाता है, अ क्या कहलाता है, अकल्पनीय, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी आपका रॉन्ग, अकाल्पनिक ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, अकाल्पनिक ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, अकल्पनीय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अकल्पनीय, यानी कि जिसकी कल्पना न की जा सके वो क्या कहलाएगा, अकल्पनीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आठवां नंबर है, कह रहा है कि आशा का व्यक्तित्व ऐसा है जिसे दबाया नहीं जा सकता, यानी कि रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, उचित शब्द बताना है हमें, तो उचित शब्द क्या होगा, तो उचित शब्द जिसे दबाया न जा सकता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अदम्य, क्या कहलाएगा, अदम्य, यानी कि आपका राइट आंसर तो पहला हो जाएगा। अब देखिए अटूट क्या होता है, अटूट का मतलब होता है न टूटने वाला, अटूट का मतलब होता है न टूटने वाला, ठीक है, न टूटने वाला, न टूटने वालों को क्या कहेंगे, अटूट कहेंगे। अटल को क्या होता है, जो अपनी बातों से न टले, जो अपने बातों से, जो अपने अपने बातों से न टले उसे हम क्या कहेंगे, अटल कहेंगे। ठीक है, और अजर का मतलब क्या होता है, जो बूढ़ा ना हो, अजर का मतलब क्या होता है, जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो, है ना, जो बूढ़ा ना हो उसे हम कहेंगे अजर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नौ क्या दिया है, अब अतीत को याद करने से क्या फायदा, ठीक है, रेखांकित पद के लिए उचित वाक्यांश का चयन करें, तो अतीत का हमें देखना है, किसका देखना है, अतीत का। तो अतीत का क्या होगा दोस्तों, जो देखा ना जा सके, जिसे दबाया ना जा सके, जो बीत गया हो, जो आने वाला हो, तो क्या कहलाएगा, जो बीत गया हो उसे हम क्या कहेंगे, अतीत बोलते हैं। ठीक है, जो देखा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अदृश्य बोलेंगे। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जो देखा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अदृश्य कहेंगे। ठीक, और उसके बाद जिसे दबाया ना जा सके, अदम्य, अभी पीछे हम लोग पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अदम्य कहेंगे। और जो बीत गया हो उसे हम क्या कहेंगे, अतीत, आपको पता ही है। और जो आने वाला है, तो जो आने वाला क्या होता है, भविष्य होता है, आने वाला हमारा क्या होता है दोस्तों, भविष्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, शब्द के लिए सही वाक्यांश का चयन करें। अछूत, ठीक है, अछूत क्या होता है, जो छू यानी कि क्या होता है, जो छूने योग्य न हो, जो छूने योग्य न हो, जो छुआ न गया हो, जो खाली न जाए, जो जाना न जा सके, तो क्या होगा, अछूत का मतलब हो जाएगा जो छूने योग्य न हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पहला हो जाएगा। तो जो छुआ न जा सके उसे क्या होगा, अछूता बोलते हैं, अछूता, अछूता बोलते हैं, ठीक है। और जो खाली ना जा सके चाहे अचूक बोलते हैं, जो खाली ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अचूक, क्या बोलते हैं, अचूक बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा जो जो जाना ना जा सके उसे अज्ञाता बोलते हैं, कि अज्ञाता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अज्ञाता, अज्ञात, ठीक है, अज्ञात होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग सिंधु के 10 क्वेश्चन की संधि के 10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा करके जो है ऑल पे क्लिक करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।